कोरोना भाइरस कोनो महामारी नै अपने से ठीक होब वाला बीमारी रहलै छ। छुला से एक दोसर के लागे वाला कोरोना के कारण नै संक्रमित भेला के बाद जे उचित देखभाल हेबाक चाही ओ नै भेला के कारण से संक्रमित के जान जा रहल बतबैत छथि बीपी कोराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक सह प्राध्यापक डॉक्टर बजरंग साह। उपाय तो कुछ नहीं छै, मतलब वही में नेचुरल रिकवरी के सिवा कोनो दवाई नहीं थी कि यहाँ के एकदम ठीक भजते ई चीज क लेता है दू दिन में ठीक भजते ओहन कुछ नहीं थी। नेचुरले क्योर 98% है यहाँ के अकेला चाहिए कोनो चीज नहीं चाहिए। आए खाली इतने सतर्क रहे दोसर के नहीं सरे वही में प्रिकॉशन लिए के कते के कथी से आप जना कोई हार्ट डिजीज है केकरो किडनी डिजीज है केकरो मतलब कोनो पहले से वो कभी कहे लॉन्गे के डिजीज सब है केकरो अगाड़िए से लॉन्गे कैंसर है कुछ हो ब्लड कैंसर है कुछ हो कोई भी दीर्घ रोगी सब नहीं कहे है हाइपर टेंशन के डायबिटीज के है जेकर अनकंट्रोल डायबिटीज सब है इससे सब दवाई खाई रहे थे उनका सब ये की है थे कि जब रोग लागल तो कते तो वो बीच में डरे बुझाइल के आप तो हमारा आयु लाइ गए आप तो कुछ हो आयु टाइमिंग कते तो दवाइयों सब छोड़ देते होते कते के दवाई टाइम पर नहीं खियाब सकते होते आप लाइ गए घर के आदमी नहीं जोते छू अहाँ के इवन हॉस्पिटलो सब में अप टू डेट जो हो चाहिए वो तो केयर नहीं हो कैला की दोसर बेरी में वही रहा डॉक्टर जभी तभी देखते रहो किनको कम्प्लेन के देख लो कई सब में किनका टाइमिंगे हो वही सब आप बहुते जगह है सीसीटीवी कैमरा सब लागल है वही सब से रिकॉर्ड हो कथी करे थे कौन एक्टिविटी सब से कई हिसाब से हो मगर पहले जे एक्चुअल केयर हो चाहे वो बहुते जगह नहीं हो दोसर मेडिसिन सब खाई चाहिए केकरो प्रेशर है प्रेशर जरूर टाइम पर नहीं कभी कहते स्ट्रोक होते मर जाते नहीं हेते डायबिटीज अनकंट्रोल भाते कोमा में चल जाते बहुते कुछ होते ऑलरेडी वही रोग सब में इम्यून कम है वही में आदमी है इम्यून कम कमजोर है बताइए किनका टॉपिक से। कोरोना बीमारी की अफवाह अय पर डॉक्टर बजरंग कहे छै बीमारी तो बीमारी छै मुदा महामारी नहीं। नेपाल में क्षय रोग से सब दिन 25 गोटे मरत छै त कोरोना से 8-10 टा मर गेनाय महामारी नहीं कहल जा सकत छै। एग्जैक्ट कथी कम्युनिस्ट में चाइना के न्यूज सबके नहीं पता चल सकेगा बहुत गारो है वो ये जे गवर्नमेंट लिख कर चाहे थे उन चीज मात्र लिख हुई थे वो ये बहुत गारो थे नहीं हम सिंपल कर लिया वही रोग के हाँ डेली स्वास्थ्य मंत्रालय हाँ के दे है कि आई 8 लोग मरले आई ते इन्फेक्शन रहले ठीक भेले सब जे न्यूज दे है नहीं कहे छे 8 लोग मरे है बहुते रोग है इवन सिंपल नेपाल में लागे वाला रोग सब में सबसे बेसी जन टीबी सब है क्षय रोग सब कहे छे वही में दिन गए 25-30 मरे थे सब दिन बहुते मरे थे अरे लॉकडाउन में तो बहुते कोई के दवाई नहीं पहुंच के कते के तारो बेची गई वो चीज सबके जांच पड़ताल कहाँ से ये डिजीज सब है दोसर सब आप बिर गए रोगी सबके हॉस्पिटल सब में देखे मेडिसिन सब वार्ड सब में सब दिन 2-4 गो मरे थे अ बीपी के एक्सेस में कह गए तो एगो दू गो बराबर में रहे कोई लिवर डिजीज लाइक मरे थे जो अल्कोहलिक सब हो सब मरे थे कोई कैंसर वाला मरे थे कोई कथी वाला मरे थे हाँ डायलिसिस सब हो किडनी डिजीज के डायलिसिस सब के मरे थे वो सब आजकल अब वोहन सब के कोरोना लाग जाए कोरोना में काउंट भ जाए वहीने मरे थे आप कथी के मरे थे सेहो नहीं अथी है नहीं ओकरे सबके डाटा निकालो किडनी डिजीज कते मरे थे हार्ट डिजीज कते मरे थे सिरोसिस सब भके अल्कोहल पी के आदमी कते मरे थे वैसे ज्यादा तो ऊ मर रहा है आब यही कोरोना के चलते ओकरा के अथी कथी कहे छे अहाँ केयर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है सब मैन पावर उम्हर मोबिलाइज हो इम्हर ग्यारह हो एखन कोनो व्यक्ति ई नहीं कह सकैया कि हमरा कोरोना नहीं लागल अछि एकर गारंटी कोई नहीं ल सकैया डॉक्टर साह के कथन अछि कि हमरा कोरोना नहीं लागल कोई नहीं अपना की गारंटी ल सके कोरोन हाँ लक्ष्य भ गए अभी है बस सब देखिए खुलले है कोनो रूल्स रेगुलेशन कुछ है पालना भेल सब वहीने रहे छे बैठल वहीने रहे छे फ्लाइटे सब चले छे फ्लाइटे सब में कतो छे कोनो नहीं छे सब सोशल डिस्टेंसिंग के नाम के चीज नहीं छे। लॉकडाउन अवधि भर आ लॉकडाउन के बादो कोरोना टेस्ट में खासे वृद्धि नहीं देखल गेल कहैत डॉक्टर साह कहलनि जांचे नहीं हेतैक त 80% त ओहिना संक्रमित नहीं ठहरते। पहले लॉकडाउन कहियो के रखने छलिए तैयो वही स्पीड में केस बढ़े छलिए अभी खोलो देलिए कहाँ बढ़ले केस तो उतने कथी कह देलिए
आ डिटेक्शन नहीं करबे तो 80% तो वही अहाँ के नहीं पता चले। अब जे सीरियस बात हॉस्पिटल जन थे ना पता चलत तो वही बात है। अभी तो पहले अहाँ के एक और तो पॉजिटिव दिखाए चल टोला मोहल्ला वही गाँव खोज खोज के अहाँ टेस्ट करके निकाले चले की पॉजिटिव। आब के स्थिति में तो अहाँ के लगबो करे हो तो सिम्टम नहीं हो तो अहाँ के नहीं पकड़ी थी अहाँ जाले नहीं एकदम फीवर आ गल हो ताले तो सब नियम सब तो परिवर्तन के लिए आने सकली कैसे उसी तो अपन अपन हड्डी नु घाटी हेरे रखे थी ने मतलब हड्डी घाटी देखे के जे बड़का चीज खाए के वह चीज करवे न तो वह चीज से की खास चले तो नहीं कर चाहिए। मगर अभी पहले वो कल के वो पैसा खर्च हो गए अर्थतंत्र अथी गए ने मगर कत कत थी कथी भले उपलब्धि कथी भले अभी तो फिर सब चीज खोले तो चलिए उपलब्धि तो कुछ नहीं है फिर तो बैक टू वही चलिए तो एक पैसा अथी खर्च मतलब नहीं मिले। एक बेर कोरोना लाइक कर ठीक भ गेला के बाद दोबारा लगते कि नहीं अइ पर डॉक्टर साह कहलाई ने लोग बुझाए थे एक दो महीना में पूरा निकाल में चल अतै सब वैक्सीन दो तीन महीना में वैक्सीन जता भेल मगर रेस्पिरेटरी वायरस से जे सांस के जो सरे छे ने आरो किसिम के वायरस इन्फ्लुएंजा सब होइ छे ने जे सर्दी खांसी सब लगे छे तो ई वायरस सब के अहाँ के इम्यूनिटी बेसी से बेसी एक बरिस रहे थी कि मैक्सिमम एना नहीं कि एक बार वैक्सीन लगा लेते तो लाइफ लॉन्ग भ जाते तो रेस्पिरेटरी वायरस सब के ओते अथी नहीं छे इन्फ्लुएंजा सब के लगे छे तो हरेक वर्ष लगभग पड़े छे। तो अभी ने के जतने भी देखा रहा है अभी तक जितने आप कहे के ना कोविड का कोई लगली दूसरे लगते कि नहीं लगते सेहो क्वेश्चन सब अब मतलब ओते फ्रिक्वेंटली लागे की समय देखल गेल अभी तक में देखल गेल कि सबसे अगली लागली साढ़े चार महीना में बुझलिए। हाँ बेसी केस सब नहीं है अभी केस सब अब कम कम रिपोर्ट हुई छात्र छात्र अब कौन कंडीशन में है ओकर इम्यून सिस्टम कथी है केना है ये है मगर एगो चीज है कि एक बेर लागल तो दोसर बेर लागत तो उतने सीवियर नहीं है। जनरल सर्दी खोकी में अपनाओ जाय वाला उपाय अपनेला पर कोरोना ठीक भ सकत है डॉक्टर साह के कथन छल। जो अहाँ के नाक में जो गेल हवे वही है नाक में जो नेजोफेरिंग रहे थे वही से सर नाक बच जाए थे नेजोफेरिंग जाए थे वही से सब तब नीचा जाए थे फेरिंग में जाए थे लंग्स में जाए थे वही से जाए थे तो ये जगह से जब गर्म पानी के भाप ताप ले थी तो स्किन के मतलब कथी है 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उतने टेम्परेचर में टिकवे नहीं करते मरीज तो सी ये की 40-41 सेंटीग्रेड हो जाएगा लगभग लगभग मिट जाए वायरस अहाँ के शरीर में नहीं है तो अपने कतु से शरीर से नहीं उत्पन्न भ जाते विटामिन के अबे छे गाय गल सब में वो सब करो तो लागत के एकदम कम चांस है। सुबह से बेसी शाम में करू हमारा विचार से दिन भर के आ तो वही रहलो है ने आ तो विटामिन गार्गल कर लो आ कथी कहे छोड़ा पानी में दू चार टप्पा दोनों नाक में धलो तो जो विटामिन सही से तो अहाँ के 10-15 सेकेंड में अहाँ के वायरस मिल जाए। हाँ विटामिन से अभी के जितने भी देखा रहा थे स्टडी से सब में विटामिन एकदम इफेक्टिव है तो अहाँ के तो सरफेस में जत से अहाँ टेस्टो करे तो वह सरफेस से लै तो विटामिन तो वही एरिया से पुगबे करे थे तो विटामिन सब कहते हैं साँझ में करे तो दिन भर घूमे फिर कतु अर्कल फर्कल है साँझ में जाके क्लीन भगल भैर सुत रहो। मिथिलांचल एफएम के लिए रिंकू मिश्र गायत्री जनकपुर धाम।